न्यूज 18 पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पलवल की जानी मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि जैन। देखिए, कार्तिक माह चला हुआ है और इस माह में वैकुंठ चतुर्थी और पूर्णिमा, इसको लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन जो है लोगों को हो रहा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम यहाँ डॉक्टर अंजलि जैन जी के पास आए हैं। इनसे वो दो दिन की बताई जा रही है, इसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार माने या हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हम दोनों ही तरीके से आज इस पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर अंजलि जैन से बात करते हैं। मैम, ये बहुत बड़ा ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों के अंदर कि वैकुंठ चतुर्थी और इसके बाद आने वाली पूर्णिमा, ये कब मनाई जाए? देखिए, कार्तिक मास का हमारे ग्रंथों में, साहित्य में बहुत महत्व बताया गया है। तो एकादशी से ये शुरू होता है और पूर्णिमा पर खत्म होता है। मतलब ये जो दिन है, ये 5 दिन है, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। तो देखिए, कोई भी जो त्योहार है या कोई भी ऐसा पुण्य दिन होता है तो वो हमेशा सुबह ही शुरू होता है। तो वैसे तो जैसे पूर्णिमा है, कल जो है दोपहर में शुरू हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली जो है कोई भी त्यौहार या पूर्णिमा है, जो पूजा पाठ का जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है। तो इसीलिए पर्व ना तभी मनाना चाहिए जब वो सुबह, इसलिए पूर्णिमा जो है वो 27 नवंबर की मनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले त्रयोदशी जो है वो 25 तारीख की शाम को शुरू हो रही है और 26 की दोपहर को खत्म होने जा रही है। तो दो पूर्णिमाएं बता रहे हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही, तो ये 26 को शुरू होगी या 27 तक रहेगी या 27 को ही शुरू होगी, ये बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 26 को पूर्णिमा जो है वो शुरू होगी दोपहर में और ये अगले दिन मतलब 27 तारीख की दोपहर को ही खत्म होगी। बट पूर्णिमा जो है वो गुरु पर्व भी हमारा मनाया जाएगा। तो कोई भी जो इस तरीके का पर्व होता है या कोई भी शुभ दिन होता है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, हमेशा सुबह ही पूजा पाठ दान पुण्य का महत्व बताया गया है सूर्य उदय के समय। तो 27 तारीख जो है पूर्णिमा, उसी दिन मनाई जाएगी। तो ये पूर्णिमा कार्तिक माह की पूर्णिमा है, इसका क्या महत्व होता है, क्या व्रत भी इसमें किया जाता है, किस तरह से पूजा पाठ होता है? देखिए, इस दिन दीप दान का बहुत महत्व है। कार्तिक में तो वैसे ही दीप दान, पूजा पाठ, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही, कहा जाता है कि कई हजार गुना लगता है। तो इसको देव दीपावली भी कहा जाता है। और जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, साथ ही चंद्र देव की पूजा की जाती है। देखिए, मैं अगर आपको हमारे ज्योतिष के अकॉर्डिंग बताऊं तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रह से रिलेट किया गया है। तो चंद्र क्या है? हमारा मन। चंद्र क्या है? हमारी माँ। तो अगर इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है तो मानसिक और शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। नॉर्मली भी अगर किसी को कोई रेमेडी बतानी होती है, अगर कोई मानसिक तौर पर परेशान है, तो ये दिन बहुत शुभ दिन है। पूर्णिमा को अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हो या आप शिव भगवान का चांट करते हो और साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की भी साथ साथ पूजा की जाती है, धन धान्य के लिए भी कामना की जाती है, तो यह बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। तो मैम, ये हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो ईजिली किस चीज़, कौन से कैलेंडर का जो माना जाता है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार सही रहता है या फिर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ही चलता है? देखिए, जो भी हमारे त्यौहार आते हैं, जो भी हमारी तिथि है, वो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग फॉलो की जाती हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग बातचीत की भाषा में भी और वैसे भी इंग्लिश डेट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, है ना? तो इसीलिए, लेकिन जो मुहूर्त जैसे अब आजकल बहुत आम हो गया है, पूर्णिमा 2 दिन है, चतुर्दशी 2 दिन है, ऐसे ही प्रदोष का रहा, तो उसका रीज़न यही है कि वो जो तिथि है हिंदी तिथि के हिसाब से वो दिन में त्योहार शुरू हुआ और अगले दिन तक वो चला, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग रात को 12 बजे ही वो दूसरा दिन आ गया। तो इसलिए कंफ्यूजन ये बहुत ज्यादा है और अब ये बहुत ज्यादा होने लगी है क्योंकि सब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। तो हाँ जी, तो मैम एक आखिरी प्रश्न और आपसे, ये जो कार्तिक माह चला हुआ है इसमें कार्तिक नहान बोलते हैं जो प्रातः काल में ही किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है?
हाँ जी, देखिए कहा जाता है कि गंगा नदी में अगर इस दिन स्नान किया जाए या किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है तो 100 तीर्थों का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है, सारे हमारे जो पाप हैं वो दूर होते हैं। क्योंकि उन लोगों के लिए किस तरह ये कार्तिक माह मनाया जाएगा जो नदी किनारे स्नान नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग घर में ही प्रातः काल में स्नान करते हैं, उनकी कैसी पूजा पाठ कंप्लीट होती है? देखिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो अक्सर मैंने मतलब लोगों अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं अपने नेटिव्स को भी ये एडवाइस करती हूँ कि आप नहाते हुए थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान करते हुए आप अपनी बकेट में या अपने ऊपर आप गंगा जल जो है अपने घर में छिड़काव कर लीजिए, गोमूत्र का छिड़काव कर लीजिए, आप गंगा जल से स्नान कर लीजिए थोड़ा सा अपने जल में उसको मिक्स करके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं, जो जल है वो आप इस दिन सूर्य के साथ साथ चंद्रमा को अर्घ भी जरूर दें, ये बहुत ही अच्छा उपाय है, ये बहुत ही अच्छी उपासना है। तो देखिए ये थे हमारे साथ पलवल की जानी मानी एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि जैन जी, जिनसे हमने कार्तिक माह के महत्व के बारे में जाना, कार्तिक स्नान के बारे में जाना और आने वाली कार्तिक माह की पूर्णिमा के बारे में विशेषतः हमने आपको जानकारी दी। क्योंकि बड़ा ही कन्फ्यूज़न ये चल रहा था क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर कुछ और बताता है और हिंदी कैलेंडर कुछ और बताता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा 27 तारीख की जो है वो मानी जा रही है। आप ऐसे ही लगातार बने रहें लोकल 18 के साथ।